हे एवरीवन, दिस इज द पार्ट टू ऑफ द प्लांट किंगडम। पार्ट टू में हम लोग मेनली ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस हमने जितना भी पढ़ा है उसे एक बार फटाफट से रिकैप करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइट स्टार्ट करने से पहले एक बार हमने जितना भी लास्ट क्लास में पढ़ा है उसे फटाफट से एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज प्लांट। प्लांट की सेल यूकैरियोटिक होनी चाहिए, क्लोरोफिल कंटेनिंग होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए एंड सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो यूकैरियोटिक तो एक्सेप्शन लेस था, क्लोरोफिल कंटेनिंग में हमने दो एक्सेप्शन पढ़े थे, हमारे पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स जैसे कि हमारे पिचर प्लांट एंड हमने पैरासिटिक देखे थे जैसे कि कस्क्यूडा। मल्टी सेलुलरिटी में हम क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास को एल्गी में पढ़ते हैं, वो इसका एक्सेप्शन हमने पढ़ा था। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है प्राइमरली, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने प्लांट्स के जो हमारे बेसिकली एंजियोस्पर्म है उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय लीनियस। ये अर्लीस्ट सिस्टम था क्लासिफिकेशन का ऑफ एंजियोस्पर्म, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर इन्होंने कंसीडर किया था एंड इसके साथ में इन्होंने इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एनवायरमेंट से बहुत ही जल्दी इजीली अफेक्ट हो जाते हैं तो इसलिए उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहा। इसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाटन होकर ने हमें दिया अपने 3 वॉल्यूम ऑफ जेनेरा प्लांटेरम में, ये बेस्ड था ऑन नेचुरल एफिनिटीज और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर इन्होंने कंसीडर ना करके इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। इसके बाद में आया फिलोजेनेटिक सिस्टम, इन्होंने ये सब कुछ तो कंसीडर किया, इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ऐड कर दिया और उन्होंने ये बिलीव किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेम टेक्सा में है तो इसका मतलब सेम एंसेस्टर्स उनके होंगे, जो कि कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट था। बट अगर हमारे पास फॉसिल एविडेंस ना हो तो हम लोग फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो फॉसिल इवेंट। इसमें कई सारी हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी जैसे कि अगर हम न्यूमेरिकल डेटा रखें तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल डेटा जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर रखें तो साइटोटैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंट करें जेनेटिक रिलेशनशिप्स को देखें तो एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी एंड लास्ट में अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें एक प्लांट के, फाइटोकेमिस्ट्री देखें तो कीमोटैक्सोनॉमी, और साइंटिस्ट यही आजकल यूज भी कर रहे हैं। इसके बाद में हमने लाइफ साइकिल हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ये पहले देख लेते हैं। दो टाइप के हमने दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वर सीडलेस प्लांट एंड फेनेरोगैम्स वर सीड बियरिंग प्लांट। क्रिप्टोगैम में आते थे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा कहते थे, ब्रायो को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे, टेरिडोफाइटा को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। जिम्नोवार नेकेड सीड इनके पास में थे, नॉट कवर्ड विथ फ्रूट एंड एंजियोस्पर्म के जो सीड्स हैं वो फ्रूट से कवर्ड होते हैं एंड इसके अलावा इन्हें ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। लाइफ साइकिल्स हमने देखी थी, एक प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या होता है, दो फेजेस होती हैं, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट से गैमिट्स बनते हैं बाय माइटोसिस बिकॉज दी बोथ आर हैप्लॉइड एंड द टू गैमिट्स विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट एंड वही जो हमारा 2n स्ट्रक्चर है, 2n फेज जितना भी है उसके हम लोग स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। स्पोरोफिटिक फेज में मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं एंड दीज स्पोर्स को जर्मिनेट टू फॉर्म गैमिटोफाइट। इसके बिहाफ पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेन प्लांट बॉडी एंड ड्यूरेशन ऑफ द फेज ऑफ द इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हमने इनको 3 पार्ट्स में पढ़ा था। वन इज हैप्लॉन्टिक, अगर हैप्लॉन्टिक फेज या गैमिटोफिटिक फेज पूरी बॉडी में रहता है एंड डिप्लॉयड फेज सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल का आता था उसे हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते थे, जिसमें कि सिंगल सेल जाइगोट वॉज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड जाइगोटिक मियोसिस भी होता था। इसके बाद में हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखा जिसमें गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इक्वल टाइम के लिए रहते थे, इक्वल डोमिनेट करते थे एक दूसरे को, डोमिनेट तो कह सकते हैं कि अलग अलग हम ग्रुप्स में पढ़ते थे एंड इसमें दोनों में फेजेस मल्टी सेलुलर रहती हैं, जिसे हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते थे। हमने ये पढ़ा था कि ब्रायो और टेरिडो में ये हमें देखने के लिए मिलती है। डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉयड फेज पूरी बॉडी बनती है, गैमिटोफाइट कुछ सेल्स का ही बन पाता है। इस सब को देखने के बाद में हमने अपनी एल्गी पढ़ी थी और एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट से ये कंपैरिजन चार्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा, कंप्लीट एनसीईआरटी है, इसे अपने पास नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा। कॉमन नेम एल्गीज का अगर हम देखें तो क्लोरोफाइसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी एंड रोटोफाइसी इज कॉल्ड एज रेड एल्गी। इनका जो कलर है वो उनके पिगमेंट के बेसिस पर है, जैसे कि ग्रीन एल्गी के पास है क्लोरोफिल ए एंड बी, इसकी वजह से इसका कलर ग्रासी ग्रीन कलर का होता है। फियोफाइसी के पास ए एंड सी जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड है, जैंथोफिल जो कि फ्यूकोजैंथिन है इसी की वजह से इसका ब्राउन कलर होता है और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन फ्यूकोजैंथिन का प्रेजेंट है उतना ज्यादा डार्क ब्राउन कलर आता है। तो ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर के इनके हो सकते हैं ये एल्गी।
रेड एल्गी के पास में क्लोरोफिल ए एंड डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है एंड दिस फाइकोएरिथ्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलरेशन ऑफ दिस रेड एल्गी। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर मोस्टली मिलता था क्लोरोफाइसी, मरीन में और ब्रैकिश में भी मिल सकता है। जबकि हम लोग फियोफाइसी में गए तो फ्रेश रेयर हो गया एंड ब्रैकिश में मिलते हैं, मरीन में प्राइमरली मिलते थे। और रोडोफाइसी में गए तो फ्रेश तो रेयर ही था, ब्रैकिश भी थोड़ा बहुत, और मरीन में तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। और सबसे ज्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो वार्मर और डेप्थ में, सीज में डेप्थ में प्रेजेंट होते थे। फॉर्म्स देखे तो क्लोरोफाइसी में यूनिसेल्युलर हमें मिलती है जैसे कि क्लेमाइडोमोनासिन क्लोरेला, कॉलोनियल मिल सकती है जैसे कि वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस मिल सकती है जैसे कि यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। एंड फियोफाइसी की बात करें तो हमें सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस मिल सकते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, एंड प्रोफ्यूसली ब्रांच मिल सकते हैं जैसे कि कैल्स जो कि 100 मीटर तक जा सकते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और इन सभी में मोस्ट कॉम्प्लेक्स रोडोफाइसी ही है। सेल वॉल की बात की जाए तो सेल्युलोज की सभी की बनी होगी, इनर सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, आउटर इनके पास अलग अलग होगी। जैसे कि क्लोरोफाइसी के पास पेक्टोज है, फियोफाइसी के पास एल्जिन है जो कि जिलेटिनस होती है बेटा, रोडोफाइसी के पास पेक्टोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर दो की है, मतलब जैसे कि ये हो गई सेल्युलोज एंड इसके ऊपर पेक्टोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ऑब्वियसली एडवांस है ना तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसे सब कुछ ज्यादा चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी स्टार्च स्टोर करती है, इसके अलावा कुछ कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर करते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी के मेंबर पाइरेनोइड्स स्टोर करते हैं, जिनका मतलब ये है कि ऐसे कुछ रिंग टाइप की बनी हुई होती है जिनके अंदर प्रोटीन होता है और बाहर स्टार्च की शीट होती है। पाइरेनोइड्स के क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च इज पाइरेनोइड। रोडोफाइसी फियोफाइसी की बात करें तो इनके पास होता है लेमिनेरिन एंड मैनिडॉल विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। रोडोफाइसी की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है इनके पास में, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और ये सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। अगेन इसके पास में स्टार्च है क्लोरोफाइसी के पास में, और रोडोफाइसी को चाहिए फ्लोरिडियन स्टार्च। सबसे ज्यादा एडवांस चीजें हमारे पास रोडोफाइसी में ही हमें देखने के लिए मिलेगी। फ्लैजेला की बात करें तो ये फ्लैजेला, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये स्पोर एंड गैमेट दोनों के ही हम डिस्कस करते हैं, स्पोर एंड गैमेट दोनों के ही फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरोफाइसी के पास 228 मिलेंगे, एपिकल मिलेंगे मतलब ऐसे बाल लगे हुए होंगे जैसे कि चोटी पर लगे हुए हैं, 228 नंबर हो सकता है, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। फियोफाइसी की बात करें तो इनके जो होते हैं बेटा ये स्पोर या गैमेट स्पाइरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप होते हैं, एंड इनके पास में टू फ्लैजेला होते हैं, वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट, टू अनइक्वल एंड लिटरली अटैच होते हैं जैसे कि किसी के हाथ लगे हुए। रोडोफाइसी की बात करें तो इनके पास में फ्लैजेला है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं फ्लैजेला। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव कर सकते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय ज़ूस्पोर, सेक्सुअल बाय आइसो एनाइसो ओगैमस, तीनों टाइप से कर सकते हैं। एंड वही फियोफाइसी की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल ज़ूस्पोर से, सेक्सुअल आइसो एनाइसो ओगैमस, तीनों टाइप से, मतलब सेम है इसका। रोडोफाइसी में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से करता ही है बट एसेक्सुअल में स्पोर बनेंगे जो कि नॉन मोटाइल होंगे और सेक्सुअल में ओगैमस ओनली। एक ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जांपल्स की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स एंड यूडोरिना आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी में डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सर्गेजम एंड केल्स, ये आपको याद रखने हैं। रोडोफाइसी में बहुत ही इजी एग्जांपल है पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडिया। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कि डिफरेंट हैं बाकी सभी क्लासेस से, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। क्लोरोफाइसी में डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं जैसे कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, रेटिकुलेट, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक एंड स्पाइरल इन स्पायरोगायरा स्पेशली। फियोफाइसी में बहुत कुछ स्पेशल हमने देखा था कि इनकी जो बॉडी होती है उसके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोप्सी में हेल्प करती है, एंड इनकी जो बॉडी है डिविजिबल होती है इनटू फ्रंट स्टाइप एंड बोल्ड फास्ट में जो कि रूट स्टेम लीफ लाइक जैसी अपीयरेंस देता है बट एक्चुअल में रूट स्टेम लीफ नहीं है, और जो फ्रंट है ये लीफ जैसा ही होता है। और अगर मैं बात करूँ केल्प्स की तो केल्प्स की जो हाइट है ना दैट इज ड्यू टू फ्रंट नॉट स्टाइप। क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, ये क्वेश्चन आता है और गलत कर देते हैं कि स्टाइप से लेंथ है, नहीं स्टाइप तो देखिए इतना सा बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, फ्रॉन्ट इज इलैबोरेटेड। आपको मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये देखिए दिस इज फ्रॉन्ट एंड जो हाइट है वो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू फ्रॉन्ट स्टाइप एंड दिस इज होल्ड फास्ट। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है ये वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स बना हुआ है आपका, इट इज फ्यूकस, इट इज लेमिनेरिया, इट इज डिक्टियोटा एंड दिस इज पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, दीज आर ग्रीन एल्गी, दीज टू आर ग्रीन एल्गी, दीज थ्री आर ब्राउन एल्गी एंड दीज टू आर रेड एल्गी। ये आपको अपनी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से याद रखना है। सो नाउ अब हम लोग अपनी रिलैक्स होकर अपने नेक्स्ट डिवीजन दैट इज ब्रायोफाइट्स को फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट को मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है?
एमवी का मतलब हम देखें तो हमें एमवी का सिंपली बेटा मतलब ये होता है, एमवी कहीं भी अगर लिखा हुआ है एमवी इसका मतलब होता है ड्यूअल, ठीक। और एनिमल्स की बात करें तो एम्फीबिया हम उन्हें कहते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ड्यूअल दो जगह ही रह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था जो एल्गी है हमारी ये प्रिमिटिव है, वाटर में रहती है, और ब्रायोफाइट जस्ट लैंड पर आए हैं, ब्रायोफाइट जस्ट लैंड पर अभी आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लैंड पर तो ये आ गए हैं बेटा, बट इन्हें अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, और इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूअल, जैसे कि ये लैंड पर आ गए हैं एंड इन्हें वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली वाटर की बात की जाए तो इन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वो कैसे हम लोग अपनी पूरी लाइफ साइकिल में देखने जा रहे हैं। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं हम इन्हें बड़े ही प्यार से, जो भी हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें, क्लियर। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि लैंड पर ये आ गए हैं बट इन्हें वाटर चाहिए, बट इन्हें वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो होता क्या है, हैबिटेट, अब इन्हें लैंड भी चाहिए वाटर भी चाहिए, तो प्लांट है ना बेटा, एनिमल्स तो चलकर जा सकते हैं, प्लांट्स चलकर नहीं जा सकते, तो इनका क्या होता है कि ये ऐसे प्लेसेस पर रहते हैं जहां पर लैंड है एंड वो मॉइस्ट है, तो ये मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलेंगे, मॉइस्ट हो गए, शेडी प्लेसेस हो गए जहां पर थोड़ी सी छाया रहती है क्योंकि थोड़ा सा वहां पर मॉइस्चर रहेगा ही, ह्यूमिड प्लेसेस हो गए एंड डैम्प एरियाज हो गए, वहां सभी पर आपको ये ब्रायोफाइट्स बहुत ज्यादा नंबर में मिलेंगे। अगर इनके बॉडी की बात की जाए, हैबिट की बात की जाए, इनकी जो बॉडी है बेटा ये थैलॉइड होती है, आगे हमारे जो एल्गी है उनकी भी बॉडी थैलॉइड है, इनकी भी बॉडी थैलॉइड है, इसका मतलब इनके पास में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, इनके पास में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स एब्सेंट होंगी। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, इनका जो थैलस होता है ना बेटा, इनका थैलस होता है प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, एनसीईआरटी ने बताया है, वर्ड से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए ये आपके जो एग्जाम्पल जो आपके डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है ये वही है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि लीनियरली अगर कोई चीज पड़ी हुई है, तो अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, जैसे कि मेरा हाथ ही है सरफेस ऑफ अर्थ है, और इधर अगर मैं एक पेपर रख दूं इस तरीके से, तो ये पूरा फैला हुआ है मेरे हाथ के ऊपर, मतलब अर्थ के सरफेस पर ऐसे एक फैला हुआ है, इसे कहते हैं प्रोस्ट्रेट, मतलब पड़ा हुआ है ये। एंड इरेक्ट की बात की जाए तो जैसे हमारे प्लांट्स हमें नेचुरली मिलते हैं इस तरीके से, दैट इज इरेक्ट, तो ये प्रोस्ट्रेट भी हो सकते हैं इरेक्ट भी। प्रोस्ट्रेट देखिए जैसे कि ये बने हुए एंड इरेक्ट, ठीक है। तो दिस थैलॉइड मे बी प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट यानी कि पड़ा हुआ, एंड इरेक्ट और इरेक्ट, ठीक। जो आपके थैलॉइड बॉडी है इनका जो थैलस है प्रोस्ट्रेट इरेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू एल्गी, मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू एल्गी, क्लियर। एक चीज और, इनके पास में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट है, बट ये जो ट्रू रूट है एब्सेंट है, इनके पास में रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग राइजोइड्स कहते हैं, एंड दीज राइजोइड्स मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, क्लियर। इतनी बातें आपको क्लियर हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी हुई है बेटा, आप जो पैराग्राफ्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी के वहां ये सारी चीजें लिखी हुई है, बस थोड़ा सा उन्होंने स्टेटमेंट वाइज बता दिया है। एक बार से देख लीजिए, थैलॉइड बॉडी है, इसका मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट होगी, इनके पास में रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम लोग राइजोइड्स कहते हैं, दीज राइजोइड्स मे बी यूनिसेलुलर और मे बी मल्टीसेलुलर, थैलॉइड बॉडी बट इनका जो थैलस है मोर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू एल्गी, क्योंकि ये एल्गी से एडवांस है, एंड जो थैलॉइड बॉडी है इनकी ऐसे चिपकी हुई हो सकती है सबस्ट्रेटम से या फिर खड़ी हुई हो सकती है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट ये हो सकते हैं, क्लियर। इनमें बेटा दो क्लासेस आती हैं, लिवर वर्ट एंड मॉसेस। उससे पहले एक बार से थोड़ी सी इनकी लाइफ साइकिल देख लीजिए। अगेन लाइफ साइकिल में दो फेजेस आएंगी,
गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अगर बेसिक एक प्लांट की लाइफ साइकिल देखें तो उसमें क्या आता है, गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे NN, N से N बनेगा एंड गैमेट्स फ्यूज होकर स्पोरोफाइट बनाएंगे, दैट इज 2N एंड दिस 2N विल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस एंड स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये बेसिक लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, मतलब कि गैमेटोफाइट थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रहेगा एंड स्पोरोफाइट भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम या फिर बॉडी आप कह सकते हो। तो जो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल है बेटा, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। गैमेटोफाइट इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है, मतलब कि जितना भी गैमेटोफिटिक फेज है वो फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट बनता है वो डिपेंड होता है ऑन गैमेटोफाइट। ये आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद में। देखिए अगर हम इनकी बेसिक लाइफ साइकिल देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनती है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, आप इसे अपनी एनसीईआरटी में जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा या फिर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए गैमेटोफाइट बॉडी है, प्लॉइडी क्या होगी, एन। एन बॉडी है गैमेटोफाइट, इसके पास में सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर, एक सेक्स ऑर्गन है मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं एंड दूसरे सेक्स ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम लोग आर्किगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स आर एंथ्रोजॉइट्स एंड ऑब्वियसली गैमेटोफाइट बॉडी इज एन, देन सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो एन, सेक्स ऑर्गन्स एन है एंड एन से एन बनना है गैमेट तो ऑब्वियसली माइटोसिस डिवीजन ही हो गए। सेम इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन एग का फॉर्मेशन होगा, दैट इज फीमेल गैमेट, वो भी एन बनेगा बाय माइटोसिस। अब हुआ क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रिपेयर है, अब हमें करना है फर्टिलाइजेशन। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो इनमें आर्किगोनियम है ना बेटा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो होती है फ्लास्क शेप की, ऐसे जैसे एक फ्लास्क हो और इसके अंदर होता है एक्सेल। तो होता क्या है, जो एंथेरोजॉइड है वो वाटर करेंट से चलकर आते हैं, बायोफ्लेजिलेटेड होते हैं बेसिकली, वाटर करेंट से चलकर आते हैं और आके इस फ्लास्क शेप के एन आर्किगोनियम के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाने के बाद में ये इससे फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है एंड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जायगोट इसी के अंदर बना हुआ है, मैंने बाहर आपको फेजेस दिखाई हुई है लाइफ साइकिल में। जायगोट बन गया, दैट इज 2N एंड अगेन हम लोग अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो नॉर्मली चलती है उसे देखें तो जायगोट जो है 2N सिंगल सेल है, ये माइटोसिस करेगा और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा जो कि मल्टी सेलुलर होगी एंड मल्टी सेलुलर इस प्लांट बॉडी के कुछ सेल्स मियोसिस करेंगे और स्पोर्स बनाएंगे। कुछ सेल्स जो स्पोर बनाने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल, ऑब्वियसली 2N होगा क्योंकि स्पोरोफाइट की बॉडी का पार्ट है एंड दीज स्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड विल प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स। अब यही हैप्लोइड स्पोर जर्मिनेट करके अगेन गैमेटोफाइट बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्लांट की लाइफ साइकिल थी वहां पर गैमेटोफाइट में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स थे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनियम कहते हैं। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप का है, उसी के अंदर गैमेट बना हुआ है दैट इज एक्सेल और एंथ्रीडियम में जो एंथेरोजॉइड बने वो बायोफ्लेजिलेटेड है। अब वो वाटर करेंट से चलकर आएंगे, फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के अंदर घुस जाएंगे जहां पर वो एक्सेल को फर्टिलाइज करेंगे, जायगोट बन जाएगा एंड जायगोट माइटोसिस करेगा, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा और ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल होंगी जो कि स्पोर बनाएंगी, पूरा नहीं बनाएगा, कुछ सेल्स जो कि स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके स्पोर बनाएंगी एंड यही स्पोर जर्मिनेट करके अगेन गैमेटोफाइट बना देंगे। तो हुआ क्या, जो स्पोरोफाइट है वो भी मल्टी सेलुलर रहा है थोड़े टाइम के लिए बट मेन प्लांट बॉडी तो हमारी गैमेटोफाइट ही हमेशा हमें देखने के लिए मिली। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर बना है बट ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाता, ये डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इनके पास में है दो क्लासेस, वन आर लिवरवर्ट एंड अदर आर मोसिस एंड लिवरवर्ट एंड मोसिस में बता रही हूँ, इसका मतलब लिवरवर्ट थोड़े से प्रिमिटिव है एंड मोसिस ज्यादा एडवांस। तो होता क्या है इनके अंदर, एक क्लास है हमारी लिवरवर्ट एंड एक क्लास है मोसिस। तो लिवरवर्ट प्रिमिटिव है, मोसिस एडवांस है। होता क्या है, जो लिवरवर्ट हैं बेटा ये आपके ये वाले हैं, ये आपके लिवरवर्ट है एंड जो इसके नीचे हमने डायग्राम देखे थे वो मोसिस। तो ये जो लिवरवर्ट है इनकी बॉडी ऐसे होती है, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये कि डॉर्सल सरफेस इसमें ऊपर होता है और वेंट्रल सरफेस इसमें नीचे होता है। वेंट्रल सरफेस पर ही यहाँ पर यूनिसेल्युलर राइजोइड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड डॉर्सल सरफेस पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, एक एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है क्लोजली अप्रेस्ड विद सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इज द प्लेस जहां पर ये अटैच्ड है एंड क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब है बिल्कुल चिपका हुआ है।
जैसे कि एक पेपर को हम जमीन पर रख दें, वो बिल्कुल चिपका हुआ है, उस तरीके से ये क्लोजली अप्रेस्ड है। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं ये, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब एक में दोनों टाइप के बॉडी भी बन सकती है, दोनों टाइप के गैमेट एंड डिफरेंट टाइप के भी बन सकते हैं। इनके पास में जो राइजोइड्स होते हैं बेटा, अब देखिए ना, एक पेपर है, ये उड़ ना जाए जमीन से, इसके लिए इसे हम चिपका सकते हैं, तो चिपकाने के लिए इसके पास में रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज राइजोइड, एंड इनके राइजोइड जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में ये आपको जेमा कप नाम के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि मल्टीसेलुलर हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर जेमा बनते हैं जो कि पूरा पूरा प्लांट बना देते हैं। और इसके अलावा ये फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे कि ये एक आर्किगोनियोफोर है, आप देख लीजिए, ऑब्वियसली इसमें कुछ कहने वाली बात तो है नहीं, देखकर ही आप समझ जाएंगे, खूबसूरत इस फीमेल एंड दिस अनऑर्गेनाइज्ड इस मेल। तो ये जो खूबसूरत वाला है दैट इज आर्किगोनियोफोर, एंड ये जो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है इट इज एंथ्रीडियोफोर। होता क्या है, एंथ्रीडियोफोर के अंदर क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम, दीज एंथ्रीडियम कम्स बाय वॉटर करेंट एंड विल फर्टिलाइज दिस द एग प्रेजेंट इन दिस एंथ्रीडियोफोर, एंड यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा और यहीं पर क्या बन जाएगा, आपका जायगोट। एंड यही जायगोट इसके बाद में होता क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, इसके बाद में क्या होता है, यहीं पर ये जायगोट बना था, एंड ये जायगोट डेवलप करता है, स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट इनका ऐसा शेप का बनता है, जिसके पास में जहां से ये अटैच है इसे कहते हैं फुट, एंड जो ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सीटा, और ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं कैप्सूल, इसी के अंदर स्पोर बनने वाले हैं, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाता, फोटोसिंथेसिस यही पूरी बॉडी कर रही है, बस ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इतना ईजी, समझ पा रहे हैं। इसी की जगह अगर हम मॉसेस देखें तो मॉसेस की लाइफ साइकिल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इनके अंदर क्या होता है, लाइफ साइकिल में जो इनकी मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट है, इसके पास में होती है दो स्टेजेस, वन इज प्रोटोनिमा एंड अदर इज लीफी स्टेज। जो गैमेटोफाइट है ऑब्वियसली स्पोर से जर्मिनेट होके बनेगा, तो स्पोर जो है एन ये जर्मिनेट करता है और पहले बनाता है प्रोटोनिमा स्टेज, जो कि प्राइमरी होती है, पहले बनती है प्राइमरी प्रोटोनिमा, जो कि ऐसे होती है क्रीपिंग और ग्रीन होती है, इट इज ग्रीन एंड क्रीपिंग, ठीक है, ये सॉरी क्लोजली अप्रेस्ड होती है सरफेस से ये भी, या आप कह सकते हैं कि ये भी ऐसे प्रोस्टेड होती है, एंड यही प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेती है, कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और इसी सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर कई बार लेटरल बड बन जाती है, कई बार इनमें लेटरल बड अराइज हो जाती है जो कि नेक्स्ट स्टेज को जन्म देती है, दैट इज लीफी स्टेज, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसके पास में मेन एक्सिस होती है जहां से राइजोइड्स निकल रहे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और इसके पास में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगे, ऐसे पूरे एक्सिस पर चारों तरफ अरेंज्ड लीव्स होंगे, एंड इसी मेन एक्सिस पर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जो कि लीफी स्टेज है, एंड यही लीफी स्टेज करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि होता क्या है इनके अंदर, ये जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे इन्हीं में मेल एंड फीमेल गैमेट बने, ये यहीं पर फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद में यहीं पर स्पोरोफाइट बनेगा जो कि थोड़ा बड़ा बनेगा एज कम्पेयर टू लिवर बट, मोर इलेबोरेट देन लिवर बट, एंड जो बेसल पोर्शन होगा इसे हम लोग फुट कहते हैं, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज सीटा एंड दिस वन इज कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही बनेंगे स्पोर्स बाय मियोसिस, एंड दिस कम्प्लीट इज स्पोरोफाइट विच इज 2N, एंड अगेन गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगा रहता है, कभी भी डिटैच नहीं हो पाता है, रीजन कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो जितना मैंने आपको प्रोटोनिमा ड्रॉ करके दिखाया इट इज ग्रीन, सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज ग्रीन, एंड दिस लीफी स्टेज इज ऑल्सो ग्रीन, मतलब कि गैमेटोफाइट इज ग्रीन विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाई द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। क्लियर है इतनी बातें, अगर लाइफ साइकिल में इतनी बातें क्लियर है तो मैं आपको आगे डायग्राम दिखा दूं, यस दिस वन, इतना गैमेटोफाइट है बेटा, मेन एक्सिस है, इसमें राइजोइड्स निकल रहे हैं, दीज आर यूनिसेलुलर एंड ब्रांच्ड, एंड लीव्स हैं स्पाइरली अरेंज्ड, सीटा फुट, एंड यहाँ पर फुट कहीं होगा, एंड कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे। आप ऐसे अपनी एनसीईआरटी में चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि
बहुत इजी हो जाता है ये, जैसे अपने एनसीईआरटी में आपने लिख लिया राइजोइड्स है, ये है मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, मेन एक्सेस है ठीक है, लीव्स हैं स्पाइरली अरेंज्ड है, यहां पर कहीं फुट रहा होगा ठीक, एंड कैप्सूल के अंदर बने स्पोर्स, एंड स्पोर्स बाय मियोसिस बनेंगे ऑब्वियसली। इस तरीके से आपको बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा, और चाहे तो यहीं पर आप बना दें कि ये स्पोर जो है ये प्रोटोनीमा स्टेज बनाते हैं, एंड ये प्रोटोनीमा जब हाईली ब्रांच हो जाता है सेकेंडरी, तब ये लेटरल बर्ड के फॉर्म में फिर से ये वाला बनाता है लीफ स्टेज, ये इसकी लाइफ साइकिल चलती है। एंड सेम दूसरा आपको दिया हुआ कि एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच बना के दिया हुआ, ये वही है बॉडी, इसी पर फिर स्पोरोफाइट बन जाता है। लीफी स्टेज को ही थोड़ा सा और इलैबोरेट करके इन्होंने दिखाया हुआ, तो बस इतने सिंपल से हैं ब्रायोफाइट। एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा इनमें कुछ आता नहीं है, एग्जाम्पल में इनके बहुत ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। लिवर वर्ड के दो एग्जाम्पल आते हैं, मर्केंशिया एंड रिक्सिया, एंड जो आपके मॉसेस हैं इनमें आपके तीन एग्जाम्पल हैं, आप SPF, FPS जो भी आप करके याद रखना चाहो कर सकते हो, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम, ये तीन आपको एग्जाम्पल है, बस इतना सफिशियंट है। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंसेस हैं बेटा, तो देखा जाए तो जो ब्रायोफाइट्स है ना उसमें इंपॉर्टेंसेस मॉसेस की ही मेनली हैं, लिवर वर्ड्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मॉसेस की जो इंपॉर्टेंस है वो एक बार से देख लेते हैं। आपने कभी इस टाइप के ग्रासलैंड देखे हैं? पिक्चर्स में तो देखे ही होंगे। इसमें होता क्या है कि ये जो ग्रीन मैट लगा हुआ है ना, ये मॉस है बेटा, इट इज मॉस, और ये इस तरीके से अटैच रहती है सरफेस से, ये सॉइल को बाइंड करके रखती है, और बारिश जैसे ही होगी तो उसका इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को कम करती है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है। तो इम्पॉर्टेंस सारी हमें मॉसेस की पढ़नी है, फर्स्ट थिंग इज दिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल को बहुत बचा कर रखते हैं, फॉर्मिंग डेंस मैट्स ऑन सॉइल, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा, काफी सारे हर्बेशियस मैमल्स के लिए ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं, फूड फॉर एनिमल्स, फिशेस एटसेट्रा ठीक। और एक स्पेशल आपकी मॉस है, दैट इज स्पेगनम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया स्पेगनम। इसमें होता क्या है, इसे पहले एज अ बायोफ्यूल यूज किया जाता था, अर्लियर यूज एज बायोफ्यूल, एंड अब क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। अगेन इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है ना। अब इसे कैसे यूज किया जाता है, यूज एज पीट, मतलब ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं, कभी आपने घर में मनी प्लांट अगर अपने घर में देखा होगा तो बीच में एक स्टिक टाइप की लगाते हैं जिसे मॉस स्टिक कहा जाता है, उसके अंदर भी वो मॉस ही फिल होता है जो कि वाटर होल्ड करके रखता है, जिससे कि प्लांट अच्छा से ग्रोथ कर पाता है, उसकी रूट्स जो है आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो वहां पर भी मॉस स्टिक का यूज किया जाता है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो बस मॉसेस की आपको ये तीन ही जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस याद रखनी है, सॉइल इरोजन से बचवाता है डेंस मैट सॉइल पर बनाकर, फूड है काफी सारे मैमल्स के लिए, फिशेस के लिए, स्पेगनम जो है पहले इसे बायोफ्यूल की तरह यूज करते थे, अब इसे ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं आप लोग, बड़ा ही इजी है, जस्ट इतना ही है। मेन जो एक चीज और मैं चाहती हूँ कि आप कंपेयर करके जान जाओ, जो कि क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपेरिजन बिटवीन लिवर वर्ड्स एंड मॉसेस। दो क्लासेस है ना, तो मेन प्लांट बॉडी दोनों में ही गैमेटोफाइट थी, इसका प्रोस्ट्रेट था, इसका प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है, इसका क्लोजली अप्रेस्ड था सबस्ट्रेटम से, इसमें दो स्टेजेस बनती थी गैमेटोफाइट में, एक प्रोटोनीमा और दूसरी लीफी, लीफी होता था खड़ा हुआ एंड प्रोटोनीमा क्रीपिंग होता था। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। एंड राइजोइड्स की बात करें तो इनके होते हैं यूनिसेलुलर, इनके मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड, ऑब्वियसली ये एडवांस है। स्पोरोफाइट स्मॉल बनता है एंड इनका ज्यादा इलैबोरेट होता है देन लिवरवर्ट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो लिवर बर्ड फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, जेमा बनाते हैं फॉर एसेक्सुअल बर्ड्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
जो मॉसेस हैं फ्रेगमेंटेशन करते हैं इन प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज, लेटरल बड बनाते हैं इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज, जो कि फिर लीफी स्टेज बनाता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लीफी स्टेज। क्लियर, इतनी सी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल्स इसमें आपके हैं मर्गेंशिया एंड इसमें SPF, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। ये तीन आपको एग्जाम्पल इसमें करने हैं, बस इतना ही मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा एंड इसमें पूरी आपकी NCERT कंप्लीट हो गई है। तो एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टेरिडोफाइट पर करेंगे एंड टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म भी उसी में आगे कवर हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा। अब आपको करना क्या है, फटाफट से जाइए टेलीग्राम पर और वहाँ से DPP डाउनलोड करके सॉल्व कर डालिए एंड NCERT को रीड करके रैप अप कर लीजिए। एंड अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आप इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये बेल आइकन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करेंगे। सो